एक बेसिक चीज़ के बारे में बात करते हैं कि वाई वी आर यूजिंग द मॉस्फेट। सिंस मैंने आपको पहले बीजेट एफईटी में बताया था कि एफईटी इज़ यूज टेक द वेरी स्मॉल साइज स्पेस, तो वहीं पे अगर हम मॉस्फेट की बात करते हैं तो मॉस्फेट जो होता है इट कैन बी यूज्ड एज अ रजिस्टर, एज अ रजिस्टर। तो आप जहाँ जहाँ अपनी कोई सर्किट बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप रजिस्टर को रिमूव करके वहाँ पे मॉस्फेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वहीं मॉस्फेट की जो साइज़ होती है वो भी बहुत कम, बहुत स्मॉल होती है इन कंपेरिजन टू द बीजेटीज। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो सर्किट होता है, द सर्किट इजली कैन बी रिप्लेस्ड योर, द मॉस्फेट इजली कैन रिप्लेस्ड योर डायोड्स एंड द रजिस्टर्स फ्रॉम द सर्किट। तो देयर फॉर आपकी जो सर्किट बनती है वो हाईली डेंस बन सकती है और आपकी काफ़ी ढेर सारी जो मतलब चिप्स होती हैं वो स्मॉल पोजीशन, स्मॉल स्पेस में क्या हो सकती हैं, उनको इकट्ठा किया जा सकता है, सो दैट आपकी जो डिवाइसेज बनती जाएंगी वो स्मॉलर साइज में होती जाएंगी। आजकल आप देख सकते हैं जो हैंड होल्ड कैलकुलेटर होते हैं, पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, इन सब में मॉस्फेट का यूज़ किया जा रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जेफेट, एन चैनल जेफेट। मैं एन चैनल जेफेट के बारे में बता जा रहा हूँ। तो जैसा आपका एन चैनल होगा सेम टू सेम वैसा आपका पी चैनल भी होगा। नाउ वी कैन सी दैट इन दिस डायग्राम, वी कैन सी दैट इन दिस डायग्राम दैट द टू टर्मिनल्स ऑफ द जेफेट दैट इज कॉल्ड द ड्रेन एंड दिस, या दिस सोर्स एंड ऑल्सो द थर्ड टर्मिनल दैट इज गेट। दीज ऑल थ्री टर्मिनल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ओमिक कॉन्टैक्ट। मैंने ओमिक कॉन्टैक्ट के बारे में आपको बताया था कि वो आप यूज़ करते हैं सो दैट दैट इट कैन मेक अ इंटरफेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, दैट इज जो आपके टर्मिनल्स है इलेक्ट्रोड्स और आपका जो सबस्ट्रेट है, बीच का जो सबस्ट्रेट है उससे आप दोनों के बीच में कनेक्शन कर सकते हैं, इसलिए हम ओमिक कॉन्टैक्ट को यूज़ करते हैं। सो दीज थ्री टर्म जो थ्री टर्मिनल्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ ओमी कॉन्टेक्ट दे आर कनेक्टेड टू द जेफेट। इस जेफेट में आप देखेंगे ये टू साइड्स में आपके पी टाइप्स, टू साइड्स में आपके पी टाइप्स के इलेक्ट्रोड जो होते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो हाईली डोप्ड होते हैं। हाईली डोप्ड का मैंने आपको बताया था कि अगर अगर कभी भी कोई आपका सेमी कंडक्टर है या कोई रीजन जो है वो हाईली डोप्ड होता है, देन उसमें जो डेप्लीशन रीजन की पेनिट्रेशन होती है वो क्या होती है, काफ़ी कम होती है इन कंपेरिजन टू द लाइटली डोप्ड रीजन। तो क्योंकि आपको जो दो टाइप्स ऑफ पी इलेक्ट्रोड्स जो हैं और ये एन चैनल का जेफेट होता है, क्योंकि आपने बीच में क्या किया एन चैनल बना दी, बीच में जो आपका मटेरियल है वो एन टाइप का है, तो इसे हम कहते हैं एन चैनल जेफेट। और साइड साइड में आपने क्या किया पी टाइप की हाईली डोप्ड की अपने इलेक्ट्रोड्स को इसमें कंस्ट्रक्ट कर दिया है, सो दैट इट इज़ नोन एज द एन चैनल जेफेट।